गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राजेश कुमार राठौर में, जिसके अंदर हम 10th क्लास का मैथ जो है उसका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 हमने स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन वाला, वो हम उसके 5 पार्ट थे, वो हमने कल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई गई है जो सिचुएशन गिवन थी उससे, तो वो इक्वेशंस जो हैं उनको ही सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो इन सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन के इस एग्जाम्पल के दो पार्ट हैं, दो पार्ट के अंदर दो इक्वेशन बनी हुई हैं, उन दो इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सोल्व करना है और उसकी जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों पार्ट्स को आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है और इनके रूट्स निकालने हैं, जो कि इक्वेशन में एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू जीरो, इसको भी आपने फैक्टराइजेशन करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो, इसे भी आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज़ करके फैक्टराइज करना है। तो ये प्रॉब्लम आप खुद सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपने इक्वेशन बनानी भी है और उसे सोल्व भी करना है। क्वेश्चन है देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो टू नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 गिवन है और प्रोडक्ट 182 है। तो इन नंबर्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 4.2। क्वेश्चन नंबर 3, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट नंबर को एक्स कंसीडर कर लेते हैं और टू नंबर्स का सम अगर 27 है तो सेकंड नंबर क्या आएगा ये बताइए। अगर टू नंबर्स का सम 27 है, फर्स्ट नंबर एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या होगा बताइए। देन सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, तो सेकंड नंबर होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि टू नंबर्स का सम है 27। अगर फर्स्ट एक्स है तो सेकंड हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 182। तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो एक्स को 27 से मल्टीप्लाई करो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों टर्म्स को हम इक्वल के राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। एक्स स्क्वेयर वाली जो टर्म थी वो नेगेटिव थी, ये राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाती हो और ये नेगेटिव हो जाती है प्लस 182, और इधर पे बचता है ज़ीरो। तो इस ज़ीरो को हम या तो लेफ्ट में लिखें या राइट में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 27 को इस तरह से स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने से 182 आ जाए। देखिए इसके दो फैक्टर बनाने हैं आपने जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए। कंसेप्ट वही है, 182 को एक्स स्क्वेयर से हम मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेते हैं। अब 27x के माइनस 27x के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके प्लस 182x स्क्वेयर आए आपके पास। तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके पास क्या बनेंगे चेक करिए। 27 के एक बनता है 13x और एक बनता है 14x। 13 प्लस 14 करके 27 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 13 से 182 आ जाएगा। तो मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया। फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखने के बाद का क्या स्टेप है,
इसके बाद हम इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, x बचेगा क्या, x माइनस 13 और यहाँ पे माइनस 14 कॉमन आ जाएगा x। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, माइनस कॉमन लिया है, तो ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस 14 को किससे मल्टीप्लाई करें, 182 आए 13 से। तो देखिए इन दोनों ब्रैकेट सिमिलर आई हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, कॉमन लेने के बाद भी ये ठीक है, इक्वल है। तो अब इन दोनों टर्म्स के अंदर से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 13, x माइनस 13 और बचेगा क्या, x माइनस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखें, x माइनस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13, और ऐसे x माइनस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 14। अब हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब दोनों वैल्यूज हमारे आंसर में आएंगी। तो नंबर्स क्या क्या होंगे, x की वैल्यू 13, x की वैल्यू यहाँ 13 पुट करेंगे तो 27 माइनस 13 कितना आएगा 14, या फिर x की वैल्यू अगर हम 14 पुट करते हैं तो 27 माइनस 14 कितना आएगा 13, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। तो या तो नंबर होंगे 13 14 या होंगे 14 13। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वेयर्स इज 365। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपने फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वेयर का सम है 365। देखिए कैसे होगा ये, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव होता है एक के बाद एक, मान लो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। लेट फर्स्ट इंटीजर, अगर हम फर्स्ट इंटीजर x कंसीडर कर लेते हैं, देन सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव होते हैं एक के बाद एक, जैसे इंटीजर से पहला फर्स्ट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इसी तरह अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वेयर का सम वो कितना होगा, वो है 365। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी एक कंडीशन आ गई, इस कंडीशन को सोल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उससे आगे हम क्या करेंगे, उससे आगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के हम फैक्टराइज करके वैल्यूज निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वेयर यहाँ पे क्या आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन इज इक्वल टू 365। इनका सम करके क्या आएगा, टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स और माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, माइनस 365 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या बनेगा, x वाली टर्म सेकंड नंबर पे, 1 माइनस 365 माइनस 364। अब या तो इसी को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर देना, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 2। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1x माइनस 182। और अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपने सोल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लेते हैं, 182 एक्स स्क्वेयर। तो 1 कैसे फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करके ये आए, तो 1 के क्या फैक्टर बनेंगे, 182 हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था अगर आपको याद हो, 182 मल्टीप्लाई करने से किस किस को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, 14 और 13 को, और अगर उनका डिफरेंस देखा जाए तो वो है 1। इसका मतलब कि यहाँ पे भी हमें वही फैक्टर अप्लाई करने हैं, 14x माइनस 13x, सब्ट्रैक्ट करने से तो 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है 14x माइनस 13x में। अब इन टू फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आएगा, x इंटू एक्स प्लस 14, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस 13 एक्स प्लस 14।
आगे का काम काफ़ी इजी पड़ जाता है। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x प्लस 14 कॉमन आ जाता है और बचेगा क्या, x माइनस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x प्लस 14 को अगर ज़ीरो रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 14 और x माइनस 13 को ज़ीरो रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13। तो क्या पॉजिटिव कंसेक्यूटिव जो इंटीजर इन्होंने लिया है क्या ये हम कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको क्या कर देंगे, रिजेक्टेड। तो हमारे आंसर क्या आएंगे, 13 अगर यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 13 एंड सेकंड इंटीजर क्या आएगा, 13 यहाँ पुट करेंगे 13 प्लस 1 14। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो एक ट्रायंगल का अल्टीट्यूड जो है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, बेस को ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर इसका बेस x है तो इसका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा, x माइनस 7 और हाइपोटेनियस इसका 13 है। ये आपके पास एक ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू x। तो x सेंटीमीटर हम बेस को कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इसका 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम इस ट्रायंगल की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ इतनी कंडीशन थी कि जो इसका अल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो इक्वेशन कैसे बनाएं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर मोस्टली हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो उससे कंडीशन बनेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है, एक्स माइनस 7 स्क्वायर, बी सी कितना है, एक्स स्क्वायर, और ए सी कितना है, 13 स्क्वायर। क्या फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस एक्स स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर 169। 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर कितना बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या बनेगा इसका, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 है, तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, माइनस का 120। और इस इक्वेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप सोल्व करके ये जो साइड्स हैं ये निकाल सकते हो ट्रायंगल की, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट करना है। अब देखिए आगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ लेंथी है, इसको ध्यान से पढ़िए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोटरी आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे।
तो किसी एक दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उनसे जो है 3 more than 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल, जो कॉस्ट था एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का वो कितना था, 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस प्लस 3, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी। तो अब जो है हम क्या कंसीडर करेंगे, इसमें हम यही कंसीडर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हैं। वो देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे कितने, x। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए दैट डे। तो कॉस्ट कितना है इस आर्टिकल का, 3 more than 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, 3 more than 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट निकाल लो इस आर्टिकल का, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 3 more than 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे। और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, टोटल कॉस्ट है ₹90। और टोटल कॉस्ट आता कैसे है, टोटल कॉस्ट आता है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो क्या बनेगी यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है एक्स, ईच आर्टिकल का कॉस्ट है 2x plus 3, तो टोटल कॉस्ट है 90। तो यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनानी है और उसको फैक्टराइज भी करना है। ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। एक्स की जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करके हम नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज भी करना, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएंगे और याद रहेंगे लंबे टाइम तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय।